क्या है आपकी समस्या? वही यूनिवर्सल प्रॉब्लम, पैसे नहीं है। पैसे है पर कम है। पैसे कमाते हैं, ऐसी बात नहीं आप घर पे बैठे हैं, कहीं नहीं जाते, कोई काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप काम करते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं, परंतु इतना नहीं कमाते कि सारे खर्चों को वहन करने के बाद भी चार मुट्ठी पैसे भविष्य के लिए बचा सके। अब थोड़ा सा धन कमाते हैं, भोजन कपड़े में और जरूरत के कुछ सामानों में वो समस्त धन निकल जाता है, बैंक बैलेंस फिर जस की तस। आप ख्वाब देखते हैं हमेशा, जब भी सोते हैं आपको ऐसा लगता है, नींद में ख्वाब देखने की जरूरत नहीं, खुली आंखों से भी स्वप्न देखते हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने स्वर्ण के आभूषण खरीदे, अपनी पत्नी को गिफ्ट किए, मेरी बेटी ने जो कार मांगी मुझसे मैंने वो खरीद के दिया, मेरे बेटे ने जो बाइक मांगी, जो मोबाइल मांगा मैंने तुरंत खरीद के दिया, मैं इस बहुत छोटे से घर से निकलकर अब अपने घर में जा रहा हूँ। इस तरह के स्वप्न बराबर आपकी आंखों में घूमते हैं, और जब आप इस तरह के स्वप्न को किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कमाई ना धमाई, कुछ भी पैसे आ नहीं रहे हैं आपके पास, बस ख्वाब पे ख्वाब देख रहे हो। एक बात बोलूं, आप पंचतत्वों से बने हुए हैं, आप ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो परमात्मा है और आप परमात्मा की संतान है, तो छोटे से परमात्मा आपके अंदर भी निवास करते हैं, सूक्ष्म रूप से परमात्मा हमारे अंदर भी निवास करते हैं, और जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो कुछ तो बात है कि हम वो स्वप्न देख रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा दिन रात नकारात्मक सोच में घिरे रहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब बेकार है, सब फालतू है, सब पानी हो जाएगा, भविष्य मेरा बहुत ही खराब है, मुझे भीख मांगना पड़ेगा, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, इस तरह के शब्द बोलता रहता है वो, और कुछ दिनों के बाद उसका जीवन उसी चक्र में घूम जाता है। वहीं कुछ मनुष्यों को आप देखे होंगे, गरीबी की हालत है, कुछ नहीं है, परंतु ख्वाब बड़े बड़े, बड़ा घर होगा, बड़ा बंगला होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं है तो क्या हुआ, कल होगा मेरे पास, ये सकारात्मक लोग होते हैं। तो इनका साथ देते हैं परमात्मा, इनकी जिह्वा पर मां शारदे बसती है, चलिए आपके स्वप्न को अब साकार करते हैं। क्या करें कि जो जो आप बोल रहे हैं सब कुछ आपके पास हो। आज मैं आपको दो चमत्कारिक मंत्र बताने जा रही हूं, जिसे जैसे मैं कहूं केवल वैसे जप करना प्रारंभ कीजिए। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाएंगे, पैसों में खेलेंगे आप, लाख मांगेंगे तो करोड़ आएगा, जितना सोचेंगे मन में उतने पैसे पाएंगे आप, हद से ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको, हो जाएंगे आप अमीर, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे है आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो आपको समृद्ध बनाता है, यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है। सोते जागते चलते फिरते खाते पीते केवल ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना जिह्वा पर। बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या सब्जी भाजी खरीदते वक्त, रोटी पकाते वक्त, या फूलों में जल डालते वक्त केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोल दिया करो। जब भी स्मरण आए शिव का एक बार ओम नमः शिवाय बोल दिया करो, हर बाधा हर परेशानी से निकल जाओगे तुम, चमत्कार होगा जीवन में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, भाग्य बदल जाएगा, ऐसे ऐसे दुर्लभ और दिव्य प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। मन में इच्छा है धन कमाने की, बराबर आप सकारात्मक बातें बोलते हैं, हमेशा आप सकारात्मक रहते हैं, जिससे भी मिलते हैं आप उसको भी सकारात्मक कर देते हैं। शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप भी आते हैं इस श्रेणी में तब करें मेरा बताया यह प्रयोग, और यदि आप आते हैं उस श्रेणी में जो दिन रात खुद को कोस रहे हैं, अपने नसीब को कोस रहे हैं, दूसरों को मिले दूसरों को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, अपने समय को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दोष दे रहे हैं, इसके जन्म हुआ और मैं कंगाल हो गया, तुमसे मैं शादी किया मेरी किस्मत खराब हो गई, तो ऐसे लोग इस उपाय से दूर रहें, काम नहीं करेगा आप पर। यदि आप भी मुस्कुराते हैं, गरीबी में भी सकारात्मक रहते हैं, हमेशा ऊंचा सोचते हैं, बड़ा ख्वाब देखते हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। आज के इस प्रयोग में आपको एक स्वर्ण का आभूषण चाहिए, सोने का आभूषण चाहिए, कोई आभूषण भी चलेगा। अब आप कहेंगे तो हम गरीब हैं, सोने का आभूषण मांग रहे हैं दीदी, नहीं, कोई भी सोने का आभूषण चाहिए ही चाहिए, ये लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। स्वर्ण में लक्ष्मी को आकर्षित करना बड़ा सरल होता है। आप सोने का कंगन, अंगूठी, गले का हार,
नोज पिन, इयररिंग, मांगटीका कुछ तो होगा सोने का। शादी ब्याह होती है तो ज्वेलरी चढ़ते हैं ना दोनों पक्ष से, कुछ तो दुल्हन को चढ़ी होगी, आपकी पत्नी के पास होंगे, कोई तो एक चेन बनवाई होगी आपने सोने की, आपको एक सोने का आभूषण चाहिए। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह से कुछ ना खाए, केवल जल पी कर रहे। संध्या के समय करें यह प्रयोग, जल पिए, मीठा जल पिए यानी कि शरबत पिए, परंतु कोई भी भोजन ना करें, एक बार यह प्रयोग करना ही करना है आपको। शुक्रवार से प्रारंभ करके 6 शुक्रवार करना, यानी 6 शुक्रवार तक लगातार यह करना है। जब यह प्रयोग हो जाए उसके बाद आप भोजन कर लेंगे, तो घर की महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। आपको केवल जल या शरबत पर ही रहना है, भोजन नहीं करना है। माँ लक्ष्मी को जरा शुद्धता से पुकारते हैं। आना ही आना है आप तक धन, द्वार न खुल जाए तो कहिए। एक लोटा जल रखिए, लेकिन जल रखने से पहले एक पीढ़ा बिछाइए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा हो। इस पर एक मुट्ठी अरवा चावल रखिए और इसी के ऊपर छोटा सा कलश रखिए। कलश में जल भर दीजिए और उसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट रख दीजिए। बात समझ में आ गई? एक लकड़ी का पीढ़ा लगाकर आपने कपड़ा बिछा दिया, थोड़ा सा चावल का ढेर बनाया और उसी चावल के ढेर पर आपने कलश रखा जल भरकर। छोटी सी लोटनी भी चलेगी, बड़ा लोटा भी चलेगा। इसके ऊपर आपने प्लेट या कटोरी रखी और उसी में वो स्वर्ण का आभूषण धोकर आपने रख दिया। इस स्वर्ण के आभूषण पर आपको सिंदूर का तिलक देना है। यहाँ कोई माता लक्ष्मी की तस्वीर मूर्ति आपको नहीं रखनी है, जो आपकी पूजा रूम में रखी है रखी है। यहाँ लक्ष्मी आपको स्वर्ण में आकर्षित करनी है। आपको लाल सिंदूर माता लक्ष्मी को भी अर्पण करनी है, जो फोटो तस्वीर है आपके पास, और इस स्वर्ण के आभूषण में भी वही सिंदूर अपनी मांग में ले लीजिए। पुरुष जो करे तो वही सिंदूर अपने माथे पर तिलक ले लें, वही आसन बिछा कर बैठ जाए, शरीर पर लाल वस्त्र धारण करें। कुछ भी लाल ना हो तो एक लाल दुपट्टा, एक लाल तौलिया, कुछ भी आप एक लाल ऊपर से भी ओढ़ लें, परंतु लाल। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, जल पर रहिए। आपको प्रथम एक माला जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक माला यानी 108 बार। दूसरी माला उसी वक्त वहीं बैठे आपको कहना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः, यानी कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ बुलाना है। सिर्फ पत्नी को बुलाते हैं तो वो कहती है ना, आने दीजिए हस्बैंड को, जरा सा पूछ कर आऊंगी, उनको लेकर आऊंगी। यहाँ आप प्रथम पति को बुलाइए और फिर पत्नी को बुलाइए, दोनों साथ आएंगे और बड़े समय तक रुकेंगे आपके पास। यह एक अद्भुत बेला है। आपने एक माला श्री हरि विष्णु के नाम पर, एक माला माता लक्ष्मी के नाम पर जप करना है और माता लक्ष्मी को इत्र अर्पण करना। तो ये इत्र आप स्वर्ण के आभूषण के पास भी रख लीजिए, और शुक्रवार को फिर जब आप उठे और स्वर्ण का आभूषण हटा ले तो ये इत्र माता लक्ष्मी के पास रख दें। इस जल को आप फूल पौधे में डाल दें, उसके बाद नमन कर ले, माथा टेक ले, अपनी इच्छा, अपनी दुख दरिद्रता बता दे माँ से, और फिर भोजन करके निवृत्त हो जाए। लगातार 6 शुक्रवार तक केवल आप स्वर्ण के इस स्वर्ण में माता लक्ष्मी को आकर्षित करना प्रारंभ कीजिए। उस स्वर्ण को आप पहनिए, चाहे आप अलमीरे में बंद करके रखते हैं वहां रखिए, आपका घर धन से ना भर जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। मैं बता दूं आपको कि प्रथम हफ्ते में आपको असर दिखाई पड़ेगा, कभी फेल ना होने वाला यह दुर्लभ प्रयोग है, अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।